बात करते हैं इस गाड़ी की, तो क्या क्या लगाया भैया इसमें? इसमें टॉप मॉडल वाली हेडलाइट, अच्छा, फॉग लैंप प्रोजेक्टर, ठीक है, एलईडी साइड मिरर लगाया, साइड वेंट लगाया, साइड वेंट, ये अपना इंडिकेटर छुपा दिया हमने ना, तो जी ड्राइव का आता है ये भी, आपका काला पीला कुछ भी नहीं पड़ता। बात करते हैं अलॉय की, तो 16 इंची के प्लैटी के अलॉय लगे हैं भैया के, जो कि सीएट के टायर के साथ लगे हैं। काफी दिनों बाद देखने को मिलेगी वो है ये वाली, कुछ रनिंग वाली स्कैनिंग वाली पिलर लाइट और स्कैनिंग वाली अपनी मर्सिडीज वाली टेल लाइट भी इन्होंने चेंज कर दिया। गियर बोर्ड यहाँ आर्मरेस्ट भी और सीट कवर तो कर ही दिया है। ये प्लेयर कौन सा है? ब्लॉक पंखा प्लेयर है। उसके अंदर भैया आपने क्या लगाया साउंड सिस्टम की अगर बात करूँ तो? ये देखो भाई, ये है टॉप नॉच वाली चीज, जो कि भाई अपनी गाड़ी और ये जो अपनी तैयारी है गुजरात वाली गाड़ी। गाइस कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं हूँ माही कार एसेसरीज पर करोल बाग में, और यहाँ पर आपके सामने है स्विफ्ट का एलएक्सआई वेरिएंट, जो कि ZXI पूरा का पूरा तैयार कर दिया है। और मेरे साथ में है मनीष भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो आज काफी दिनों बाद आप एलएक्सआई दोबारा से दिखा रहे हो। वीडियो तो मतलब हमारी डेली मतलब काफी चल ही रही है, डल तो रही है धीरे धीरे करके, लेकिन यह है कि हम काफी टाइम बाद आपको एक और चीज दिखा रहे हैं जिसके अंदर एक अलग तरीके अलॉय भी डले हैं। काफी सारी चीजें इसके अंदर हुई है ना, तो जैसे की बात करें क्या हुआ, ये एलएक्सआई वेरिएंट था पूरा, कहाँ से गाड़ी आई है? ये गुजरात से आई है गाड़ी, गुजरात से गाड़ी भाई, देखो गुजरात नंबर है। और यहाँ हमारे साथ दो भाई लोग हैं, इनकी गाड़ी थी, अभी इनसे बात करेंगे लास्ट में। बात करते हैं इस गाड़ी की, तो क्या क्या लगाया भैया इसमें? टॉप मॉडल वाली हेडलाइट, अच्छा, फॉग लैंप प्रोजेक्टर, ठीक है, एलईडी। ये कौन से वाले प्रोजेक्टर भैया? भैया ये आईपीएस लगाया, आईपीएस वाला लगाया, ठीक है। तो ये लगाया, ये अपनी टॉप मॉडल वाली ब्रांड न्यू है, ठीक है, ब्रांड न्यू हेडलाइट है, टॉप मॉडल वाले आईपीएस वाले प्रोजेक्टर है। और यहाँ पे भैया ये वाली जो ये है क्रोम, पहले से लगा हुआ है ना? हम लोग नहीं मतलब रेकमेंड करते लगाने के लिए, क्रोम व्रोम ज्यादा वो नहीं करते ना, क्योंकि हमें ज्यादा वो पसंद भी नहीं है। तो काफी गाड़ी वैसे अच्छी लग रही है, जिस तरह की टॉप मॉडल कंपनी देती है सेम एज इट इज वैसे ही लग रही है। और गाड़ी का नंबर तो भाई VIP, मैं इसको दे दूंगा नाम VIP स्विफ्ट, काफी अच्छी है क्योंकि नंबर इसका काफी ज्यादा बढ़िया है। और उसकी कहानी भी हो बाद में बात करेंगे, कहीं पूछना हो तो सब आप मेरे इंस्टाग्राम पे पता कर लेना। और क्या इंस्टॉल हुआ भैया इसमें? साइड प्रोफाइल में बात करें तो साइड मिरर लगाया, साइड वेंट लगाया, साइड वेंट, ये अपना इंडिकेटर छुपा दिया हमने ना, तो जी ड्राइव का आता है ये भी, आपका काला पीला कुछ भी नहीं पड़ता। आपको फेंडर चेंज कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्पोर्टी लुक भी देता है ना, जरूरी नहीं है कि आप इतने पैसे ला के फेंडर चेंज कराओ। बट यहाँ पर देखो ये साइड मिरर है भैया, ये हमने पेंट करवाया, क्या है पेंट है, तो ये चीज पेंट हुई है प्रॉपर। इसको हम चाहते तो रैप भी करा सकते थे, लेकिन ये अब लंबे टाइम तक चलेगा। जैसे कंपनी से आती है भैया कहते हैं हमें पसंद ही नहीं है, लास्ट में भैया बता भी देंगे क्या चीज है। फ्रंट ग्रिल भी बोला, अच्छा, डिफ्यूजर भी बोला, वो करे नहीं हमें, वो पसंद नहीं है। मतलब ऐसा चाहिए था इनको जैसे की टॉप मॉडल गाड़ी आती है सेम एज इट इज वही चाहिए थी। साइड बिडिंग देख लो भाई, स्विफ्ट की साइड बीटिंग आती है ना वही वाली बीटिंग, लेकिन कोई और भी आती है इसमें जो हम लोग रेकमेंड भी नहीं करते लगाने, रेकमेंड नहीं करते, भैया ने बोला तभी लगाया। लेकिन वही है कि जो चीज अगर भैया को चाहिए ना, तो वो रिक्वायरमेंट पे सारी चीज अवेलेबल है, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हम वो चीज लगाते हैं जो टॉप नॉच और काफी एक लाइफ भी काफी अच्छी चले। बात करते हैं अलॉय की, तो 16 इंची के प्लैटी के अलॉय लगे हैं भैया के, जो कि सीएट के टायर के साथ लगे हैं, और लगे हैं उसमें अपना ये डोर, क्या बोलते हैं भैया, डोर वाइजर बोलते हैं उसको, स्विफ्ट के स्पेशल जो डोर वाइजर आते हैं वो वाले लगे हैं, और बैक साइड में आर पार की चीज है। तो भैया एक बार ऑन कर दो उसको, ताकि जो काफी दिनों बाद देखने को मिलेगी वो है ये वाली, कुछ रनिंग वाली स्कैनिंग वाली पिलर लाइट और स्कैनिंग वाली अपनी मर्सिडीज वाली टेल लाइट। तो ये काफी अच्छा आपको लुक देती है गाड़ी का, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, देख रहे हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। और ये अपना इंडिकेटर वाला फीचर भी है, मतलब अगर आपने ये वाली टेल लाइट अपनी स्विफ्ट के अंदर डाल दी मर्सिडीज वाली, मतलब दिन बन जाता है। ये सीधी सी बात है, जिसकी भी गाड़ी दिखेगी रोड पे आप लोग खुद बोलोगे अच्छी लग रही है ना भैया, सबसे ज्यादा यही अच्छी लगती है ना, स्कैनिंग जो है ना, हाँ भैया इसकी स्कैनिंग लोगों को बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद आती है ना। तो बीच में जितनी भी टेल लाइट है स्विफ्ट की, चाहे मिनी कूपर है, चाहे मर्सिडीज जो पुराना डिजाइन है, चाहे ये, सबसे ज्यादा लोगों को पसंद यही आती है, क्वालिटी जैसे मर्जी हो लेकिन पसंद लोगों को यही आती है। तो क्वालिटी इसकी मतलब कैसी, अच्छी है बेकार है किसी? भैया पहले तो जो आई थी शुरू में तब तो बेकार थी, अब तो फिर भी अच्छी आ रही है, कंप्लेन अब कोई कंप्लेंट नहीं है, काफी लंबे टाइम तक चल रही है, टूटने की कंप्लेंट बहुत लोगों की टूटती है, हाँ टूट जाती है तो फिर, क्योंकि इसमें खर्चा भी होता है, तो भाई बी सेफ, थोड़ा सा सेफ चलाओ। और मैं कहता हूँ टूटने से अच्छा ना इसके ऊपर एक मतलब वो चढ़ जाती है ना भैया, तो वो कर लो, टूटे तो कम से कम रुक जाए शीशा उसका वहीं, चलो कोई बात नहीं भाई, मेरे को जितना ज्ञान था मैंने बता दिया, धीरे धीरे करके आपको लंबे लंबे ज्ञान बताता रहूंगा। बाकी गाड़ी जो है पूरी टॉप नॉच है, उसमें ऊपर अपने स्पॉइलर भी लगाया इसमें, तो ये स्पॉइलर का क्या कहानी है भैया, क्या इसका प्राइसिंग वगैरह रहता है अगर स्पॉइलर की बात करें? 1900 ये अपना मतलब ये आफ्टर मार्केट वाला है या फिर आफ्टर मार्केट वाला ही है? काफी अच्छा, ये भी अपना ब्लू में वो करवाया, पेंट करवाया भी नहीं, ब्लैक है, अच्छा ब्लैक है क्या,
पता नहीं चल रहा, देख रहे हो मतलब ब्लू और इसके साथ मैच कर गया इतना कि पता भी नहीं चल रहा है। और क्या हुआ भैया इंटीरियर में कुछ बढ़िया? इंटीरियर भैया सीट कवर ठीक है, डोर पैनल। ओह इसका तो आपने इंटीरियर पूरा तैयार कर दिया आपने इसका, तो इस गाड़ी का भाई इंटीरियर भी प्रॉपर तैयार हुआ है आप देख सकते हो। ये भैया कौन सा ऑरेंज कलर क्या बोलेंगे उसको हम? ये भैया टैन कलर, टैन कलर है ना, तो ये अपना टैन कलर है और टैन कलर में ही इसका इंटीरियर तैयार हुआ है। जैसे की बात करें तो ये सारे तो ये तो हो ही गए हैं, पिलर अपने व्हाइट ही रखे, पिलर नहीं छेड़े, लेकिन इसके सारे गेट हो गए हैं। और सीट कवर, सीट कवर देख रहे हो एलएक्सआई में जो सीट आती है उसी के ऊपर हमने चढ़ा दिया। और ये देखो, और इवन इसका आर्मरेस्ट बने बनाए सीट कवर नहीं दिए हमने, कस्टमाइज कस्टमाइज कर जो प्रॉपर फिटिंग जो आती है वो करके लगाया, काफी अच्छा लग रहा है। सेम लेदर कर दिया, डोर पैनल पे भी कर दिया, गियर बूट पे भी कर दिया। अच्छा गियर बूट भी कर दिया आपने, ये भी इन्होंने चेंज कर दिया, गियर बूट यहाँ आर्मरेस्ट भी और सीट कवर तो कर ही दिया है। और स्टेयरिंग तो कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉप एंड वाला है ना, इसमें ऑटोमेटिकली पहले से आपको सारी चीजें मिल जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंट्रोल लगवा रहे हो मत लगाओ, 100-500 का कुछ फर्क होता है ना भैया, 500 का बजाय 100 का 1000 का कुछ फर्क होता है। लेकिन अगर आप ये लगा लोगे ना तो बाद में आप 1000 रुपए का जो स्टेयरिंग कवर चढ़वाओगे तो वो चीजें आपको सारी मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग कवर या वैसे जो लोग है वो बाद की चीजें, दोनों तरफ कंट्रोल आ जाता है, लाइटिंग पूरी जलती है, लुक अलग है बिल्कुल। ये जो सिल्वर वाला कटअप है ना, हाँ, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है, सिल्वर वाला कटअप भी अच्छा है। मिरर भी लगाए, साइड मिरर भी लगाए जो की बिल्कुल प्रॉपर यहाँ से चलेंगे। अगर मैं बात करूँ की ऑन करके, ये हमने की ऑन होगी ना भैया, यहाँ देखो ये हो गए फोल्ड और ये हो गए अनफोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ अगर आप करोगे तो ये देखो रिले कैसे भैया लॉक करने में सीट जाएंगे नहीं, अरे फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और प्लेयर भैया ये प्लेयर कौन सा? ब्लॉपंग का प्लेयर है ये भैया, 10 इंची वाला है, 10 इंची का प्लेयर है। शुरू में हाई जब थे ना वहीं से फोन कर रहे थे गुजरात से, अच्छा कि ब्लॉपंग की चाहिए कि नहीं मिलेगा, ब्लॉपंग ही लगाना है, ठीक है। अपने पास तो कुछ भी मिल जाएगा, आप कुछ भी सोच रहे हो ना कि इस कंपनी का मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब गुजरात से गाड़ी आई है कहीं से भैया, ये तो मेन गाड़ी है दिल्ली भैया, यहीं से जाता है, यहाँ से ही सब हर जगह जाता है। और बाकी बात करें साउंड सिस्टम की तो इसके अंदर भैया आपने क्या लगाया साउंड सिस्टम की? अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा कुछ नहीं, एक JBL का कंपोनेंट, एक कोएक्सियल, बस रिवर्स कैमरा जो लगाया जो, और वूफर एंड ऑल कुछ कुछ भी नहीं, ठीक है। जो रिवर्स कैमरा जो की लार्गो के साथ आता है वही लगा भैया का मन था वूफर का, फिर उन्होंने कहा यार हमारा यूज नहीं होता, हमारा एक महीने का टशन है। अच्छा, मैंने कहा फिर बजट बताया, फिर उन्होंने कहा रहने रहने दो कोई दिक्कत नहीं। ओके तो भाई ये भी चीज बढ़िया है, मतलब साउंड वाउंड सब कुछ बढ़िया है। और मैट वही हमेशा तो GFX जो कि मैं आपके, आप मेरी वीडियो देख ही चुके होंगे, फ्लोरिंग भी इवन इस गाड़ी के अंदर हुई है। और इस फ्लोरिंग के होने के बाद ये मैट कहीं नहीं जाते, ये हिलते भी नहीं है ना, जैसे 70 फिसलते हैं, फ्लोर मैट पे कहीं नहीं हिलता, कहीं भी नहीं हिलता ना, ये काफी अच्छी बात है भाई। मतलब इसकी तो तारीफ करें ना, जितनी तारीफ करें उतनी कम है मेरी तरफ से। तो बाकी गाड़ी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया कर दी है। और इन सब का जो रिव्यू देंगे ना वो देंगे हमारे ओनर साहब, है ना, जो गाड़ी के ओनर है वो देंगे। और बाकी ऑलवेज हमारे पास थार तो आती रहती है, जैसे वो जा रही है टॉप नॉच वाली थार, फिर से फुल डिपर विपर मारते हुए। ये देखो भाई ये है टॉप नॉच वाली चीज, जो कि भाई अपनी गाड़ी और ये जो अपनी तैयारी है गुजरात वाली गाड़ी, दोनों ही गाड़ी आज आपके सामने है। और इसमें क्या चीज़ है, कुछ डिफरेंस है जो कि आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन यहाँ हमारे को जो बताएंगे ना वो बताएंगे मनीष भी, हमने क्या करा इसके अंदर भैया। इस गाड़ी में जो है ना हमने कुछ कलर, आपने कहा था कि मेरी गाड़ी में कुछ अलग कर दो, बिल्कुल इसके लिए हमने ये स्कैनिंग वाली लाइट करा दी। जैसे हमें बहुत लोग करते हैं कि कहते हैं कि DRL का भी कलर चेंज कर दो, तो हम लोग तो इसलिए मना करते थे कि भाई मेन जो ये वाली ब्राइटनेस देखो कितनी तेज, बहुत तेज है, सही बात है, बहुत तेज इसकी ब्राइटनेस देखो कम आती है, कम आती है, हम लोग यही कहते हैं। लेकिन अब तो जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी आ चुका है कि हम इसकी दोनों DRL को ऑन करते हैं, जो ओरिजिनल DRL मतलब ये भी चलेगी जैसी ये चल रही है ऐसी भी चलेगी, वो भी चलेगी, और ये जब टशन करना हो तो ये, और इसमें भी हमने इसमें स्कैनिंग वाली लगाई, और ये ऐप कंट्रोल है पूरी आपकी जो इसमें लग रही है पूरी ऐप कंट्रोल है, जिसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी आप देख चुके होंगे। लेकिन फिर से इस गाड़ी के साथ जो भाई ने नहीं देखी है, ये देखो भाई ये फॉरवर्ड ठीक है, ये बैकवर्ड देख रहे हो, कुछ भी कर लो, बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर, कितने भी कर लो भैया, वो करो जो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, वो हमारा 20-21 के आसपास आता है। ये देखो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, अगर मैं इसको रेड वगैरह में किसी उसमें कर दूं, ये देखो भाई मुझे सबसे ज्यादा फीचर ये वाला अच्छा लगता है। बाकी भैया आप बता दो आपको कौन कौन से अच्छा लगता है? सारी बढ़िया इसके अंदर, मतलब इतने मोड है, अगर आप चाहो तो सिंगल भी रोक सकते हैं, सिंगल करना भैया, ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगी यार ये तो बिल्कुल मतलब डीजे टाइप हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिस कलर की करनी है ना आप उस कलर की कर सकते हो, देख रहे हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, कोई भी कर लो। और भी एक बार इसकी ओरिजिनल वाली जला दो, ओरिजिनल वाली जो लाइट है ना जैसे ये चल रही है सेम ऐसी जला दो, सारे फीचर है इसके अंदर, ब्राइटनेस वगैरह भी आप कम ज्यादा तेज सब कुछ कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शन है इसके अंदर, देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। गाड़ी की अलग ही बातचीत है, और एक बार इसकी ना ओरिजिनल वाली भी जला के दिखाता हूँ, जैसे ये वाला है ना सेम ऐसी चलेगी अगर मैं करना चाहूँ तो, आपकी मर्जी आप कैसे भी इसको चला सकते हो। और ये देखो आप बताओ कोई फर्क है इन दोनों लाइटों में, ये ब्रांड न्यू लाइट है, ये हमारी यूज्ड वाली लाइट है, लेकिन अब आपको कुछ भी
मतलब फर्क मिलेगा ही नहीं देखने के लिए दोनों में ही। देखो पास से देख लो, बिल्कुल दोनों लाइटें बिल्कुल सेम लग रही होंगी, बट थोड़ा सा फर्क जो नजर आ रहा है पास से दिखा दूं क्यों नजर आ रहा है फर्क। आपने शायद मेरे जिस भाई ने वीडियो देखी हो कमेंट करके बता देना। ये देखो यहाँ पर ना ये जो आता है बेसिकली लाइट वो ऐसी कुछ आती है क्रोम एंड ब्लैक के साथ आती है, ये भी सारा क्रोम में रहता है। ये है ब्रांड न्यू, ये वाली है हमने पूरी इसको कार्बन कराई है ना, कुछ अलग किया और साथ में हमने जो इंडिकेटर और ऑप्शन है इसको ब्लैक कर दिया ताकि हमारा इंडिकेटर मतलब कुछ थोड़ा बहुत शेड रहे ब्लैक का भी। और यहाँ पर गाड़ी जो लग रही है ना काफी अच्छी लग रही है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे बनती चली जाएगी अलॉय लगेंगे, क्योंकि अलॉय लगने के बाद कुछ ऐसी फील आती है तो ये काफी अच्छी है। बाकी आपका मन करता है आप इसकी ना डायमंड आई अगर ऑन करना चाहते हो तो डायमंड आई भी ऑन हो जाएगी इस व्हाइट वाली के साथ अगर आपका मन करता है तो। जैसे मतलब सारे फीचर दे दिए इस वाली हेडलाइट के अंदर, कुछ भी कराओ। और इसकी अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो वो मनीष भैया से एक बार पता कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना ना कॉस्टिंग, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा टाइम भी लगेगा ज्यादा, और हो सकता है कि आपको जो पैसा है ना हो सकता है क्या होगा पैसा जो वो थोड़ा सा वो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कैनिंग फीचर है। पहले हम आपको एक नॉर्मल फीचर देते थे जो कि डायमंड आई का मिलता था, और स्कैनिंग वाला फीचर आपने मांगा था भाई मुझे एक्स्ट्रा। हाँ जी, तो ये चीज करके दिया मैंने, बोला भैया मेरी गाड़ी में स्कैनिंग दो कुछ अलग हो, ताकि मार्केट में कुछ अलग भी चीज नजर आए ना, मेरी गाड़ी तो कुछ थोड़ा सा अलग होना चाहिए, इसीलिए करके दिया। तो बाकी पूरी गाड़ी तैयार हो चुकी है, गाड़ी लग रही है टॉप नॉच। बात करते हैं एक बार इस गाड़ी के ओनर से, उनको इन दोनों हेडलाइट में क्या मजा आया और टोटल काम में उनको कितना मजा आया। गाड़ी का काम हो चुका है और मेरे साथ में है भाई जी, क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया सर। एक बार अपना नाम शेयर कर दो और कहाँ से आए थे आप? जी खंपलिया भावनगर से। भावनगर गुजरात? गुजरात गुजरात। कैसा रहा सर सारा कुछ इसका, जितना भी टॉप नॉच? बहुत बढ़िया लगा, मनीष भाई का काम भी अच्छा लगा और आपका भी काम अच्छा लगा। मेरा काम क्या था सर, मेरा तो कोई काम ही नहीं था। किया तुमने तो बहुत सारा काम किया। सही में ऐसा? चलो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताओ हेडलाइट में, ये दोनों हेडलाइट आज आपके सामने है, मेरी गाड़ी की अगला आपके सामने बन गई, तो वो वाली कैसी लग रही है आपको उस वाली की? मेरे को तो ये वाली अच्छी लगती है, ये टॉप मॉडल वाली। आपको तो फील ही टॉप मॉडल वाला अच्छा लगता है, जेड एक्स आई चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं लगाऊंगा, तो ये चीज है। बाकी अगर बात करें कस्टमाइजेशन की, तो अगर मैं बात करूं कस्टमाइज कराने के बाद अगर किसी भाई को शौक है तो वो अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? लगेंगी ना, अच्छी लगेगी, पर मैं इसका कहता हूं पहले ये डलवाऊं, पहले ये लगवाऊं, बाद में शौक करो। मेरे सामने ये एक्चुअली ना बहुत सारी लग चुकी है तो मैं तो शौक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने बहुत ज्यादा आम जैसी हो जाती है ना, सेम वैसी हो गए। अच्छा बात करते हैं प्राइसिंग की, तो जो माही कार सीरीज पर आपको प्राइस मिला है, आप इतनी दूर से आए हो सफर करके, इतनी दूर से सफर के पास माही कार सीरीज पर, तो कैसा रहा प्राइसिंग की अगर बात करें? प्राइसिंग का तो लाख रुपए तक पड़ गया होगा। बढ़िया होगा, लाख के पास प्लस चला गया होगा, मतलब चलो जितना, मतलब अभी आपने पेमेंट वगैरह नहीं हुई अभी? पेमेंट वगैरह नहीं हुई, ठीक है। बाकी अगर व्हील्स और टायर का मिला के आफ्टर मार्किंग सब कुछ करके तो 50,000 जितना चला, 48-50,000 जितना। नहीं जैसे आपको पुराने वाले देखे वो जो आए थे गाड़िया वो देखे कितना देना पड़ा? वो देखे मैंने 38,000 रुपए दिए, 38,000 आपने दिए हैं, और 38,000 के बाद जो गाड़ी का लुक आ रहा ना अलॉय व्हील का, भाई आप खुद देख लो कितना अच्छा। ये देखो 16 इंच के हैं, इतना प्यारा अलॉय है और अंदर कलर भी हो रखा है इनका, कौन सा रेड कलर का हो रखा है, काफी अच्छा है। इन भैया को यही वाला अलॉय पसंद आ रहा था क्यों भैया? तो सारा कुछ काम मतलब एक नंबर मान लूं? एक नंबर, कहीं कुछ कमी? कुछ कमी नहीं है, 100% है ना? अरे 110%। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है भाई, ये था कुछ इनका रिव्यू और ये थी कुछ हमारी गाड़ियां। बाकी आप लोग भी आ सकते हो माही कार एक्सेसरीज पर, 9873 भैया का नंबर वहाँ लिखा हुआ है, साइड में भी आ रहा होगा। बाकी मनीष भैया को आप कॉल करो, मैसेज करो या कुछ भी करो, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बस इतना कर देना, ये बड़ी मेहरबानी वाली बात होगी, क्योंकि मैं इस तरह का काम अगर मैं कर रहा हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है आप लोगों का। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, सब्सक्राइब कर। आपने किया हुआ है ना? अरे मैंने भी किया, मेरे फ्रेंड ने भी किया, बता दिया था। हाँ आपने बोला जितने मिलेंगे सबका करवा दूंगा, सबका करवा दूंगा। सब्सक्राइब करना मतलब बनता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों करना चाहिए एक बार ये बता दो। क्योंकि आपका काम ही बढ़िया है और आपके क्या है कि आप अच्छी तरीके से जवाब देते हो। आप चाहते हो मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो टॉप नॉच वाली बात होगी, फिलहाल के लिए करते हैं इस वीडियो के यहां पर, टिल देन मिलते हैं फिर किसी एक नई स्विफ्ट के साथ, टिल देन पीस आउट।